समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। इस संसार में हर माता पिता के लिए सबसे कष्टदायी बात होती है उसके रहते हुए उनके वंशजों की मृत्यु होना। एक माँ बाप के लिए अपने बेटे बेटी या वंशजों की अर्थी देखने से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, लेकिन जिस माँ के दो पुत्रों का देहांत हो गया हो उसका जीवन कितना कष्टदायी होगा। इस पर माँ के पास बच्चों की तेरवी करने का भी पैसा न हो तो उसका जीवन कितना विषादपूर्ण व्यतीत होता रहेगा। बिजौली की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला जिनके पुत्र मजदूरी कर घर का खर्च चलाते थे, एक पुत्र कोरोना काल में तो दूसरा पुत्र कुछ समय पूर्व परलोकवासी हो गया। इसके बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी बूढ़ी माँ पर आ गई, लेकिन घर की माली हालत इतनी बुरी कि माँ अपने पुत्रों की तेरवी को भी नहीं करा पा रही थी। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब तक किसी पुरुष की तेरवी और महिला की ग्यारहवीं संपन्न नहीं होती है तब तक वह प्रेत योनि में भटकता रहता है, तो उसके परिजनों के लिए बहुत ही नैराश की बात है। इसलिए बूढ़ी माँ ने मदद के लिए उसने कई जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह से निराशा ही मिली। महिला की निराशा को देखकर पड़ोस में रहने वाले दिनेश नामक व्यक्ति महिला को लेकर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहाँ महिला ने डॉक्टर संदीप को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। महिला की व्यथा सुनकर डॉक्टर संदीप ने संघर्ष सेवा समिति के सहयोगियों के माध्यम से तेरवी भोज कराने के लिए महिला के लिए पर्याप्त आर्थिक सहयोग किया एवं भविष्य में भी सहायता का आश्वासन दिया। बूढ़ी मां रोते हुए डॉक्टर संदीप को ढेरों आशीर्वाद दिए और उनकी बात संघर्ष सेवा समिति के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि आधुनिकता से भरे इस युग में हमारा समाज मानव मूल्यों में पिछड़ता जा रहा है। आज जो प्रकरण सामने आया है यह बहुत ही चिंता का विषय है। एक माँ अपने बच्चों की तेरवी करने के लिए दर दर भटक रही है और हमारे गणमान्य लोग भी उसकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी ही निराशा वाली बात है। मेरा मानना है कि आम आदमी भी अपनी क्षमता के अनुसार किसी का सहयोग कर सकता है। यदि आप किसी भी प्रकार से किसी का सहयोग करते हैं तो ईश्वर आपको अवश्य आपको कुछ न कुछ लाभ देगा। मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ जब भी मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण आएगा मैं मदद के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इस पर स्वामी राजपूत विजय प्रताप सिंह, मनोज खरे, अच्छे लाल भाई साहब लोधी, संजीव हसारी, अमित मेहता, पंकज पहाड़िया, मनीष लेखपाल, राहुल सेठ, सोनू खैया आदि उपस्थित रहे। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा सकीना। कहाँ से आई आप? बिजौली। संघर्ष सेवा समिति का पता कैसे चला आपको? हमारे अगल बगल में भैया रहते हैं, उन्होंने हमें पता था। क्या मदद चाहती भैया से? भैया से हम ये चाहते हैं हमें तेरे मेरे करने, हम पे जो बने भैया से तो हमें मदद कर दे। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है, दो हफ्ते से खत्म हो गया। क्या घटना हुई उनके साथ? बीमार है तो एक एक लॉकडाउन में खत्म हो गया। क्या बीमारी थी उस जो बीमारी से खत्म हुआ? दौड़ा मोड़ा आ जाते, इलाज नहीं करवा पा, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने इलाज नहीं करवा पा। जब आपकी ऐसी स्थिति थी तो आप किसी विधायक सांसद के पास नहीं गई? उनने सुनाई नहीं करी। आपके मोहल्ले के पार्षद वगैरह जो है उनसे बातचीत हुई आपकी? और हम जात भाई साहब से भी हमें मिलत नहीं है, और हम कि पानी बरसात में दस चक्कर लगाए हमें भी घरे नहीं मिला, तो और बैठी रहते भी बेकार, 9 बजे रात की आ जाइए, 10 बजे रात की आ जाइए, और हम बूढ़े आदमी साहब हम कितने करत फिर वो बिल्कुल सुनाई नहीं लिए थे हमारी नहीं करा। तो अभी जो अभी आप संघर्ष सेवा समिति में आई है तो भैया से क्या चाहती हैं आप? जो भैया आप मदद तक चाहिए भाई साहब, हम मोड़ा की तेरे करने हैं। हाँ, तो बुंदेलखंड की भूमि से हमारे झांसी से लगे हुए बिजौली गांव से यह माँ आई हुई है, इनका नाम सखी है। आपके तीन बच्चे थे, तीन में से दो बच्चे एक्सपायर हो गए और यह अपना मेहनत करके रोज जीवन यापन कर रही हैं। आज इन्हें संघर्ष सेवा समिति के बारे में मालूम चला। सच्चाई यह है कि इन्होंने अपने बच्चे की तेरहवीं तक नहीं कर पाई इतने ज़्यादा गरीब स्थिति में रहने के बाद, है ना। और यह आज यहाँ पे आई थी कि कुछ सहायता नगद राशि मिल जाए जिससे कन्या भोज कर सकें, और इस माँ के लिए हम सब लोग बेटे के रूप में, हमारी गहोई समाज के लोग जो लोग वास्तविकता में ऐसी माओं को, ऐसी बहनों को या ऐसे परिवारों की खोज हमेशा करते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो और जिनके काम में कोई ना आ रहा हो। इस माँ के लिए हम लोग जो छोटा सा कर सकते थे वो माँ के रूप में कर रहे हैं। आप रो नहीं, कोई बात नहीं। और जिंदगी में भी हम बुंदेलखंड वासियों से एक ही बात कहना चाहते हैं
कि वास्तविकता में जिंदगी उसे कहते हैं जब दूसरों के आंसू पहुंचो। अगर हो सके जिंदगी में तो इसी तरह कोई भी माँ, कोई भी आदमी, कोई भी परिवार अगर परेशान है तो उसकी आंसू पहुंचने का काम आप सब लोग मिलकर करें, क्योंकि इसका जो दायित्व मैं संदीप सराहोगी संगत सेवा समिति लिए, इसी तरह आप लोगों से भी एक ही अपेक्षा करना चाहते हैं कि कोई भी लोग परेशान हो आप सब लोग बढ़ के प्लीज सबकी सहायता करें। यही हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं आपका।